For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. जी बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा. 98 डे का स्केड्यूल है, स्केड्यूल 98 डे का शेड्यूल था. उसमें से 70 दिन हमने काम किया है. अबू धाबी में हमारी पूरी फिल्म की शूट हुई है. तो काफ़ी ज़्यादा समय हमने स्पेंड किया है सलमान भाई के साथ और कटरीना जी के साथ. एक इंसान, वो इतने बड़े इंसान हैं, उनमें उनके आसपास इतना ज़्यादा स्टारडम है, लेकिन उनको जाने में मुझे 8 साल हो गए. लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल, टू नो द मैन बिहाइंड द स्टारडम ऑफ सलमान खान, वो रियली नाइस टू नो. बहुत ही लविंग और केयरिंग किस्म के इंसान हैं वो. अगर आपको अपना लेते हैं तो उनकी आंखों में दिख जाता है, वो पूरे एज अ फैमिली मेम्बर आपको अपनाते हैं. तो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट दे हैव इन दैट, नॉट जस्ट इन हिम बट द होल खान फैमिली. उनमें काफ़ी सारे ऐसे ट्रेट्स हैं विच रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन फादर. जिस तरीके से उनके बात करने का ढंग है, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर आपके करियर में, आपकी हर लाइफ में. जैसे उनके साथ मैंने काफ़ी उठना बैठना रहा, ट्रेनिंग करी, उन्होंने मेरी डाइट को ध्यान रखा, उन्होंने मुझे ये भी जानना चाहा कि आगे जाके मैं कौन सी फिल्में कर रहा हूँ. उनको मैंने सूरमा के बारे में बताया, शाद अली साहब की फिल्म के बारे में. तो उन्होंने, उनके भी थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जो मैंने पुट फॉरवर्ड करे. अभी भी बातचीत होती है तो वो पूछते हैं कि कैसी चल रही है हॉकी, कैसे जा रहे हैं सीन्स. अब हमारा 4 दिन का काम बाकी रह गया है, वो ख़त्म करके अभी वापस आएंगे जब टाइगर के लिए सब. तो इट बी ग्रेट टू बी बैक ऑन द सेम जोन विद हिम. मेरा मकसद टाइगर का करने का था कि मैं चाहता था कि वो मेरा काम देखें, वो मुझे देखें कि मैं स्क्रीन पर कैसा लगता हूँ. एंड इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू वर्क विद सलमान भाई. एक एसोसिएशन बना, एक फ्रेंडशिप बनी है, एंड आई फील दैट वी कैन आई होप वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड टू अनदर फिल्म soon enough.